ये लीजिए साहब। गाड़ी में बैठे हैं। नंदू, दो स्पेशल चाय बना। जल्दी लावे साले। बस दो मिनट। पानी कौन तेरा बाप देगा? नया छोकरा है साहब। साहब को चाय दिया क्या? अभी देकर आता हूँ। चल। साहब की चाय खत्म होगी तब तक यहीं रुकना। रख लूना साहब, कोई भी काम करेगा साहब, जो काम बोलेगा वो करेगा साहब। इनको इसका गेम बजा क्या है रे? सॉरी। इसी ने कल सूरी का गेम बजाया था। कौन सूरी? वेंका सूरी। कौन है बे वो? वेजावाड़ा एरिया का बहुत बड़ा भाई था। लोग उसका नाम सुनकर पानी पीना छोड़ देते थे। पानी छोड़कर जूस पीते थे। पहली बार किसी को टपकाया। बोनी अच्छा किया। रख ले इसको अपने साथ। पहले इसको खाना खिला। चोरी करके अभी वापस आ रहे हैं। चल 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 चल। चिंटिया तू यहां से ध्यान रख। ए छोटे, जिलेटिन कहाँ है? खोल। नंदू जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। चल 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 चल, बैठ 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 गाड़ी में। चल गाड़ी स्टार्ट कर। बोले भाग रहा था। आदमी मजा कर लिया है। मेहनत करे कोई और, मजा करे कोई और। ये तेरा ये मेरा। हाँ। निकल। अरे जिंदा है या मर गया? ए दोन चाय बोल रहे। Thank you.
भागो यहाँ से। वो सब इंस्पेक्टर मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू मेरे साथ रहा तो तेरे को भी मार डालेगा। जा, निकल जा यहाँ से। वो अब नहीं आएगा, गेम बच गया उसका। आया क्या वो? फिल्म देख रहा है। मैटनी शो अपनी बीवी के साथ। तू कहाँ रहेगा? अगली गली में, लाल कलर की फोर्ड। तैयार है ना? सीधा वहीं आऊंगा। देर मत करो। हेलो साले को काटा सुन जाना, बहुत मचमच सुन ली उसकी। ये कैसी है? ले ले, बच के जाना नहीं चाहिए वो। पैसे वैसे का तो फिक्र मत कर, कितना बोलेगा दूंगा मैं उसको टपका, वरना तू टपक जाएगा। नए धंधे में कोई दोस्ती यारी नहीं होती है, जिससे खतरा उसको टपका देने का। क्या हो गया इनको? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाइए। सटा सामने से, जल्दी है तो साइकिल पा लेगा ना।
क्या करना है? करना क्या है, कूद जाते हैं। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। सीएम बनने के लिए मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार की आदत हो गई है, बैठ जाओ। सीएम आ गया। लगता है इस बार भी सीएम यही बनेगा। नहीं बनना चाहिए। जिस पॉलिटिशियन के पास पावर नहीं होता वो एक बंदर की तरह होता है, समझे? हर कोई उसे नचाते रहता है। कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे लोग भी चांस मारते। ऐसी बात नहीं है सर, एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस बार हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना कहीं के नहीं रहेंगे हम। प्रेस वाले तो ऐसे ही भूल चुके हैं हमें, जनता भूल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिकर मत कीजिए सर, एक वोट का 1,000 रुपए देंगे और साथ में एक एक बोतल। आजकल पब्लिक होश में वोट नहीं देती तो दारू पी के कहां से आएगी? ये तो और भी अच्छा होगा, हम खुद ही बोगस वोट डाल देंगे। अगर हम अपोजिशन वाले बोगस वोट डाल सकते हैं तो सोचो वो क्या करेगा, जिसके पास सरकार की ताकत है। बोलो तो उड़ा दें साले को। जनता सहानुभूति में उसकी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा देगी। तो अब क्या करें? मुझे मार दो। अगर एक लड़का 10वीं की परीक्षा में फेल होकर घर आता तो घर पर हर कोई उसे डांटता है। रिजल्ट के बाद अगर वो खुदकुशी की कोशिश करता है तो लोग उसे बचाकर घर वापस ले आते हैं, और वही घर वाले उसे प्यार से समझाते हैं। पहले केस में घर वाले उस पर फेल होने की वजह से नाराज होंगे, और दूसरे केस में उसे मिलेगी सहानुभूति। मुझे भी वही चाहिए, सहानुभूति। मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी लेकिन मैं बच जाऊंगा। फारूक, हमारी पार्टी का प्रचार 10 तारीख को शुरू होने वाला है। मुझ पर जानलेवा हमला भी उसी दिन होना चाहिए। फिर मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा, सारे टीवी चैनल सी न्यूज कवर करेंगे। उसके बाद मेरे कुछ सपोर्टर्स आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। मैं हॉस्पिटल के बेड्स ही प्रचार करूंगा, स्ट्रेचर पे लेटे हुए इंटरव्यू दूंगा और व्हील चेयर में जाकर अपना वोट डालूंगा। बढ़िया प्लान है, व्हील चेयर से सीएम की चेयर। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब? ऐसा कोई किलर चाहिए जिसकी आंखें चील जैसी हो, जिसकी फूर्ती चीते जैसी हो। आएगा, मारेगा और गायब हो जाएगा। ऐसे किलर के लिए करोड़ों लगेंगे। पैसे की फिक्र मत करो, कोई प्रोफेशनल किलर ढूंढो। ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, है हमारी नजर में। हाँ सर, अपना शहर तरक्की कर रहा है, पैसे फेंको सब मिलता है। तो देर किस बात की है? वो नहीं सर, वो इधर है। हाँ एक मिनट सर, फोन आपके लिए। हेलो, कौन बोल रहा है? फारूक ने तुमसे कांटेक्ट करने को बोला था। हाँ एक मिनट, देखो कौन है। हेलो, मैं बाजीराव रेड्डी। बोलो। शायाजी रेड्डी को फोन दो। अरे हम दोनों एक ही हैं। उसकी जगह तुझे मार दूं चलेगा? अच्छा जोक मारता है। गोली भी अच्छी मारता हूँ। हाँ हम भी यही चाहते हैं। फारूक ने तो तुम्हें सब बता दिया होगा, तुम गोली चलाओगे पर जान नहीं जानी चाहिए। हाँ 2 खोखा। कितना? 2 करोड़। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पॉलिटिकल डिस्काउंट नहीं दे सकते मुझे? तुझे भी मार देता हूँ, एक पैक फ्री। हाँ? अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। 1 करोड़ एडवांस और 1 करोड़ काम खत्म होने के बाद। काम खत्म होने के बाद मैं पकड़ा गया तो? और तूने हमको धोखा दिया तो? मुझे सिर्फ मारना आता है, धोखा देना तुम लोग जानते हो। ठीक है, पूरे पैसे एक साथ मिल जाएंगे, पर पेमेंट से पहले हम एक बार तुमसे मिलना चाहेंगे, इसलिए कि वो। कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए जरूरी है, हम 2 करोड़ दे रहे हैं तुम्हें, क्या हम काम से पहले एक बार तुम्हें देख भी नहीं सकते? आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो, कहीं मुझसे मिलने की फिराक में अपनी जान न गवा दो।
सारे नोट 1000 के होने चाहिए। प्लास्टिक में लपेट कर एक लाल बैग में डालकर देना। अपने बंदे को रात 9 बजे की लोकल ट्रेन लेने को बोलना और उसे बोलना कि सीट के नीचे बैग रख कर निकल जाए। वो उतरा क्या? नहीं साहब। नजर रखना। जी साहब। वो उस लाल बैग के साथ उतरेगा। जी। उसका पीछा करना, सारी जानकारी हासिल करना और जी जी। सॉरी। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्या ओके? अरे आपको नहीं सर, एक छोकरा धक्का मार गया। ये वही तो नहीं था? अरे वो कहाँ होगा साहब। ये वो नहीं था तो वो कहाँ है? पहले जाकर उसको देख साहब। साले 2 करोड़ है उसमें, पूरी रात लग गई मुझे उसे गिनने में और तू 2 मिनट में उसे घुमा देगा। अरे साहब ट्रेन चल पड़ी। हाँ और तू देखता रहे, फुर्र करके वो निकल जाएगी। अब क्या करें साहब? अबे चढ़ जा ट्रेन में। जी साहब। बैग है वहाँ? मिल गया साहब। हाँ लेकिन ये तो खाली है। हाँ? साहब लगता है वो पीछे बैठ के धक्का लगा गया। ये तो दिमाग वाला निकला साहब, पैसे लेके भाग गया। बैठ के पेपर पढ़ रहा था ना? न्यूज में आ गया क्या साहब? तू बैठ के अखबार पढ़ रहा था और वो पैसे लेकर निकल गया। अब मैं क्या करूं साहब? ट्रेन में बैठकर बाकी का अखबार भी पढ़ ले साहब। अब क्या है बे? अपनी नई बैग भी फाड़ दी उसने। तू इतना टेंशन मत ले, बैग को यहाँ ले आ, मोची से सिलवा लेंगे। मैं उस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर आऊंगा। किसी अनजान आदमी से कार रेंट पे लेना, एक नई ट्रैवल एजेंसी ढूंढना। लाइसेंस चाहिए मुझे, एडवांस 10,000 लगेगा। मीटिंग परसों सुबह 10:30 बजे शुरू। काम खत्म करके मैं बिल्डिंग के पास वाली रोड पे लगा। सभी भाइयों, सभी बहनों, पार्टी के समस्त लोग, स्थानीय नेतागण, जिला स्तर के नेतागण, समस्त मंत्रीगण, मीडिया के बंधुगण और पुलिस प्रशासन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह सरकार कितनी निकम्मी है और इसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। कर्ज उन लोगों ने लिया, चुकाना आपको पड़ रहा है। उनकी जेबें भर रही हैं, आपकी जेबें खाली हो रही हैं। बताने में हार्दिक खुशी हो रही है कि अभी थोड़ी देर में सयाजी रेड्डी साहब आप सबको संबोधित करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी की भलाई के लिए वही एकमात्र आशा की किरण है। आप सबके इंतजार की घड़ियां बस खत्म हुई, सयाजी साहब आ चुके हैं। उनका भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए, हमारे नेता सयाजी रेड्डी। के लिए मेरे पिताजी की क्या अहमियत है? क्या कहा? और जोर से असेंबली तक सुनाई ना चाहिए। वही आपके सीएम बनेंगे। आज मुझे हमारे इस शहर में दो दो सागर बहते दिख रहे हैं, एक जो हमारे शहर के किनारे बहता है और दूसरा यहाँ ये जन सागर। आपकी एक बीटी पर हीरो पैदा होता है और आपके वोट से लीडर पैदा होता है।
आपके सपोर्ट हो तो वो मंत्री और ना हो तो कचरे का ढेर। आपके आशीर्वाद से नेता जिंदा रहते हैं, अगर वो नकारा साबित हुआ तो आप उसे खाक में मिला देते। बस आप लोग ही मेरी असली ताकत हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इस शहर का चेहरा बदल डालूंगा, इस शहर में रौनक ले आऊंगा, हर एक को नौकरी मिलेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। याद रखिए, अब हम नहीं रुकेंगे, इस शहर को बदल के रहेंगे, कोई चाहे कितने भी कोशिश करे, अब हमारी जीत पक्की है। मिल गया। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया है और लाखों की भीड़ पीछे मैदान में है, इसलिए अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर कर दो या कूद कर अपनी जान दे दो। क्या सोच रहे हो? मैं सिर्फ 3 तक ये लो। नो थैंक्स। अरे लो यार, बहुत टेस्टी है। वैसे जा कहाँ रहे हो? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? वाइजैक। ओह, वैसे मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा शहर है, मैं वहीं का हूँ। ये पोस्टर देखकर मैंने शहर का नाम नहीं बताया, दरअसल ये मेरे लिए ही है। तुम्हें यकीन नहीं होता? वन मिनट, दिखाता हूँ। ये देखो। पारस।
सत्यनारायण मूर्ति, मेरे दादाजी, जानी मानी हस्ती है, अब तो मानते हो ना मैं वहां का हूं। बारह साल पहले गांव के मेले में ये फोटो खिंचवाया था। अरे जाने दो, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, मैं जिस चीज को छूता हूं उसे हमेशा खो देता हूं। अपनी छोटी सी उम्र में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था, और फिर 12 साल पहले पूरा परिवार छोड़कर आ गया। इतने साल से मैं मुंबई में काम कर रहा था, और एक दिन काम के सिलसिले में मैं हैदराबाद गया था, तब मैंने ये पोस्टर देखा। वो लोग मेरी आज भी तलाश कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे। इतने साल से मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, इस बात का एहसास हो गया है मुझे, इसलिए मैंने उन्हें खबर कर दी है कि मैं वापस आ रहा हूं। वो सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यार इससे अच्छा तो मैं फ्लाइट से गया होता तो अच्छा होता, जल्दी तो पहुंच जाता। क्यों सुनो भाई, ये कौन सा स्टेशन है? रेलवे स्टेशन है, सोलापुर। कॉफी ले लो, कॉफी गर्मा। लोग कहते हैं कि कॉफी पीने के बाद नींद नहीं आती, लेकिन मुझे तो कॉफी पीते ही झट से नींद आती है। कॉफी पियोगे? नेकी और पूछ पूछ। कॉफी कितनी? कॉफी कॉफी दो। कॉफी तुम लोग उस तरफ जाओ, ध्यान रहे पैसेंजर्स डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? कौन है, कौन है? वो रहा ब्राउन जैकेट, टेक पोजीशंस। बच गया साला फिर से। जल्दी 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 कंपार्टमेंट को घेर लो चारों तरफ से। बदला ना भाई। Oh my God! Calling all stations. कातिल भाग गया। हर स्टेशन को अलर्ट कर दो। तुमने बनाया है? खाना तो ठीक से बना नहीं पाती हो, पर रंगोली अच्छी बना लेती हो। मेरा मंगेतर आ रहा है ना? अच्छा। ये स्वागत तुमने यहाँ क्यों लिखा है? ओ, ये तो उल्टा हो गया। क्या चल रहा है भाई? इसने स्वागत उल्टी तरफ लिख दिया है, बताओ। ठीक ही तो लिखा है, अगर कोई इस तरफ से आता है तो आते हुए उसका स्वागत है, और अगर इस तरफ से आता है तो जाते हुए हम उसका स्वागत करते हैं। जब कोई घर से जाता है तो उसे स्वागत नहीं धन्यवाद कहते हैं। लगता है तुम्हारे पापा को मेरी बात समझ में नहीं आई। यूं क्या जा कर रहे? पारस को लेने जा रहे हैं, और क्या, वो 12 साल बाद आ रहा है, पहचानेंगे कैसे? अब बताओ। अरे हमें वो पहचानने का चलो। पर आपकी भी तो शक्ल बदल चुकी है। हे भगवान, तूने मुझे बेटी नहीं सवालों का पिटारा दिया है। चलो क्या बोलूं। आप पारस? मम्मी, पारस आ गया। मम्मी मम्मी मम्मी, इतना चिल्ला क्यों रहा है? पारस आ गया। अम्मा, मेरा दूल्हा आ गया। ललिता पकड़ना इसे, जरा ध्यान से। कितना बड़ा हो गया है ना? हाँ देखो ना, पहचान में भी नहीं आ रहा है तो। इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो, पहचाना नहीं क्या? पारस, कहाँ थे तुम इतने दिन? ये बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है ना?
हम कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतने सालों में हमसे मिलने इतने सालों बाद हमारी याद आई। कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? हाँ बता। अब तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, बांध के रखेंगे यहाँ पर। आओ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? यहाँ आओ, आ जाओ। बहुत शर्मीली है, पहचाना नहीं? पूजा, इसे बाहर भेज दो। आओ आ जाओ। अरे पूजा ध्यान कहाँ है, उसे घर के बाहर फेंकना है, अंदर नहीं। ये राम जी की मूर्ति तुम्हारी माँ अपने मायके से लाई थी। खुशी हो या गम, वो हमेशा इन्हीं को बताया करती थी। वो हमेशा कहती थी कि श्री राम जी उसकी हर बात सुनते हैं। आज जबकि वो खुद उन्हीं के पास है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, इनके चरणों में। भगवान की नजरों से तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है। भाभी तुम्हारा पारस आ गया। बाबूजी। हाँ। पारस। इसका 12 साल तक इंतजार किया है। क्या ये मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट भी नहीं रुक सकता? शायद इसे भूख लगी है, पहले इसे कुछ खिलाओ। जाओ जाओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। लड़की वाले लड़के वालों के सामने कैसे बैठ सकते हैं? इनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। सुनो तुम पान के पत्ते लेकर आ जाओ। बेटा कुछ बातें करनी है तो कर लो। ये कुछ नहीं पूछेगा, तुम ही पूछ लो। हमारी बेटी शर्मीली है। मेरी बीवी भी पहले मैसी थी। निकालो निकालो कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़के वाले लड़की देखने आए हैं। हाँ तो? बड़े हो जाओ पारस, सिर्फ लंबाई से बढ़ने से नहीं होता, दिमाग से भी बढ़ना पड़ता है। उसे हटाओ। अपने आप को राजकुमारी समझती है। अब ऐसे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर सोचो कि तुम एक एम्बेसडर गाड़ी लेने गए और उसके बगल में एक मर्सिडीज है, तो तुम क्या लोगे? सोचो कि तुम एक पोर्टेबल टीवी खरीदने गए और वहाँ पर एक बड़ी सी प्लाज्मा प्लाज्मा टीवी है, तो कौन से लोगे? मेरी बहन एम्बेसडर और मैं मर्सिडीज हूँ, वो पोर्टेबल टीवी है और मैं प्लाज्मा, वो बाथरूम धोने का साबुन
और मैं नहाने का, क्योंकि मेरी खूबसूरती उसके लिए प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म। फिर ऋतिक रोशन और सलमान खान, आने दो। तुम भी सोच रहे हो ना कि ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हे भगवान, मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा, तुम खामखा इतनी चिंता कर रही हो, तुम किसी भी एंगल से खूबसूरत हो। आंखें तुम्हारी बिल्कुल मेंढक जैसी हैं, और नाक बिल्कुल पकौड़े जैसी, और होंठ एकदम केले के छिलके, और कलर तुम्हारा एकदम कौवा जैसा। फिर इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा मतलब सुंदर नहीं हूं? लोग तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें सुंदर कहते हैं। सब लोग कहते हैं मर्सिडीज अच्छी है, पर खरीदते एम्बेसडर ही। विश्वास करो मेरा, जो असल में होता है वो असल में दिखता नहीं। परस, एक बार आईने में देखो और बोलो। तुम्हारी शक्ल आईने को भी पसंद नहीं आई। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे क्या हुआ? समझ आए? ऐसा बोलो। ये कह रही है कि अपनी शादी के बाद विदाई के वक्त ये भी बहुत रोएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा समझ गई। ये कह रही है कि शादी के बाद दूल्हे को हम घर जमाई बना लेंगे। अच्छा, ये बात भी नहीं है। रुक जाओ, ये दामाद को घर जमाई बनाने की बात नहीं कर रही। Am I right, पूजा? ये जब ऊपर थी ना, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये ऊपर टीवी देख रही थी तब लाइट चली गई, तो ये कह रही है इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो और एक जनरेटर नहीं मंगवा सकते, है ना बेटा? मैं 4 प्लेट खा चुका हूँ। ओ, सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? ओ, कान में दर्द हो रहा है। कान में दर्द है? सीने में दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा? तुम्हें हुआ क्या है बेटी? मैं बताता हूँ, पारस ने कहा है कि पूजा खूबसूरत नहीं है। पूजा खूबसूरत नहीं है? जाकर बात करो उससे। डोंट वरी पूजा, इस मैटर को मैं हैंडल करता हूँ, तब तक तुम इडली खाओ। तो पूजा खूबसूरत नहीं है? क्या उसकी माँ खूबसूरत है? उसकी चाची खूबसूरत है? हम उनके साथ रह रहे हैं ना, और तुम हो कि क्या कहा इसने? वो सजा भुगतने को तैयार है। इससे कहो पूजा से माफी मांगे। Say sorry to Pooja. प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सबको तो ये खूबसूरत लगती है पर तुम्हें नहीं लगती। कोई और लड़की पसंद है क्या तुम्हें? कंट्रोल भाई साहब। क्या कंट्रोल करूं? सॉरी के लिए मुहूर्त निकालना है क्या? भैया आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही बात करने दीजिए। तुम बात क्या करोगी? वो ऐसे कैसे कह सकता है कि पूजा खूबसूरत नहीं है? ये कोई तरीका है बात करने का? शांत चुप रहो, शांत हो जाइए, शोर मत मचाइए। ये मच्छी मार्केट है क्या? ये लड़का बहुत समझदार है, ये शादी से पहले ही समझ गया है कि लड़की खूबसूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ पूजा की ही नहीं सभी औरतों की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का हल ना तो ये पारस निकाल सकता है और ना ही मेरे जैसा विद्वान। इसीलिए इस मैटर को मैं भगवान पे छोड़ता हूँ। क्या? मैं 3 तक गिनूंगा, और अगर 3 गिनने के बाद बारिश हुई मतलब औरतें खूबसूरत होती हैं, और अगर नहीं हुई ये तो अन्याय है भैया। ऐसा अन्याय हमें मंजूर नहीं है। क्यों, क्यों? बारिश को आसमान से आने में टाइम लगेगा, 3 तक की गिनती। हाँ। तो क्या मैं 3 लाख तक गिनूं? और वैसे भी मेरी गिनती खराब है, और कितनी भी गिनती कर लूं बारिश थोड़ी होगी। 1, 2, 3। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे रुको जरा, अरे बिल का टेंशन मत लो, ऑफिस का फोन है। कौन है जिसका लंबा है फेस और वॉइस में है बेस? मोगैम्बो गब्बर सिंह शाकाल। नहीं 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 नहीं, अरे गुंडों का पीछा करते करते तुम्हें गुंडों के ही नाम याद रहते हैं। मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसने अभी तक होठों की सर्जरी नहीं करवाई है? ऐसा भी कोई करता है सर जी?
मुझे कुछ नहीं सुनना। सीबीआई में काम करते और इतना भी नहीं जानते? पर क्यों सर? जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब दो। मेरी नाती एक क्विज शो खेल रही है, मुझे उसे जवाब देना है। मैं किसी समझदार आदमी को पूछ के बताता हूँ बेटा। तुम एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे सकते, बताओ क्यों आया हो? इसने कहा कि आपने याद किया है। सयाजी रेड्डी मर्डर केस हमें दिया गया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। हमें इसे दो तीन दिन में इसकी छानबीन हो जानी चाहिए। बैठो बैठो। सर चार पांच दिन तो इसे पढ़ने में लगेंगे। हाँ, अगर चार पांच दिन इसे पढ़ने में लगेंगे तो समझने में कितने दिन लगेंगे बताओ? और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने में कितने दिन लगाओगे? और इसके बाद सारी रिपोर्ट्स बनाने में कितने साल लगाओगे? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे रिटायर्ड होने से पहले तुम ये केस सॉल्व कर पाओगे या नहीं। कर लूंगा सर। हेलो। हाँ बेटा। चल भाई क्या चल। कहा सलमान खान शादी कब कर रहा है? मैं दो लोगों को भेज रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं तुमसे नहीं कह रहा तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत वीक है। हेलो, सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ। पता करो कि कौन से चैनल पर क्विज शो आ रहा है, फिर उस पर केस करके उसे बंद करवा दो। वाह, सवाल पूछते रहते हैं, यूज़लेस फेलो। अरे पारस, तू कैसा है? तू बड़ा हो गया। मुझे पहचाना कि नहीं? इतना छोटा सा था तब मुझे देखा था। आज से तू ही सारी गलतियां मार। मैंने राजू से शर्त लगाई थी कि एक दिन तू जरूर आएगा। मेरे को मालूम है तेरी फेवरेट डिश कौन सी है। चिकन करी, मटन करी, प्राउन करी, हलवा पराठा, दाल फ्राई। और याद है बचपन में कैसे आम के बाग में जाके हम लोग आम चुराते थे? तो ही बात कर ले, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। मेहरबानी, नीचे तू ही बात कर ले, मैं बाहर खड़ा हूँ। हर टाइम तू ऑर्डर देता रहेगा और मैं तेरी बात सुनता रहूंगा। बड़ा आया, जब से तू गया ना दोस्त, इसकी चर्बी बहुत बढ़ गई है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू पहले इससे बात कर ले, मैं बाहर खड़ा हूँ। क्या हुआ? इसके साथ रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, वैसे भी इस जाड़िए को कोई चुप नहीं करा सकता। राजू, गिरी को बोलने दे। अरे 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 क्या बात है, तुझे हमारे नाम तक याद है? इसे कहते हैं सही दोस्त। सही बोला। नहीं तो आजकल के जमाने में ऐसे सच्चे दोस्त कहाँ मिलते हैं। ए पारस, सच में तो बिल्कुल नहीं। खाली लंबा हो गया। हो गया तेरा? अच्छा तू ही बात कर ले। पारस, जब से तू गांव छोड़ के गया है ना, तेरी याद में मैंने रात का खाना तक खाना छोड़ दिया है। तू फटने वाला था इसलिए डॉक्टर ने मना किया था। साला फीलिंग्स निकलने से पहले ही दबा देता है। हाँ ठीक है ठीक है, तू निकाल ले अपनी भड़ास। खुश? और अपनी बताओ पारस। तुम्हारी बात बताओ। क्या बताऊं यार, मेरी तो एक ही इकलौती गर्लफ्रेंड थी, वो भी किसी और के साथ भाग गई। अब कोई लड़की घास नहीं डाल रही तो सोच रहा दो बच्चों की अम्मा को पटा लूं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चल यार बाहर चल के लंग्स में धुआं भर के उम्र कम करके आते हैं। एक मिनट, मैं बाबूजी को बोल के आता हूं। सिगरेट के लिए बाबूजी को बोलना? पागल हो गया है क्या? कॉफी की बात तो बोल सकते है ना? तो फिर ठीक है। ये सांबर है कि पानी? मिया ये पानी का ग्लास हटा दे वरना ये सांबर समझ के पी जाएगा। हाँ? कितने दिनों बाद इस ढाबे पे आ रहे? हाँ यार। ए कल्लू। पारस, क्या तुझे कभी शेखर की याद आती है? मुझे तो बहुत आती है। अक्सर मुझे यही लगता है कि हमने जो उसके साथ किया बहुत गलत किया। क्यों पुरानी यादों को ताजा कर रहा है? अरे भड़क क्यों रहा है, समझा रहा हूँ उसे। तो तब समझाना था ना उसे? तब मैं सिर्फ 10 साल का था। वो कौन सा बड़ा था, वो भी 10 साल का ही था। तेरे से बात करना ही बेकार है, लेकिन हमने जो किया बहुत गलत किया। क्या गलत किया? जिंदगी ले ली हमने, वो भी 10 साल की उम्र में, क्या ये गलत नहीं है? किसकी जिंदगी और किसने ले ली और कौन था 10 साल का? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, और वैसे भी आपको समझ नहीं आएगी। क्यों समझ नहीं आएगी? क्योंकि आपका टाइम निकल चुका है। फ्लैशबैक में जाके दिखाओ। आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, बैंक वाले हैं क्या? इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो स्टोरी कैसे पता चलेगी? बहुत पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। दिमाग पे जोर डालो और याददाश्त ताजा करो। याददाश्त तेज होती तो मैं 4 बार फेल नहीं होता। याददाश्त कमजोर है तो साथ से ना भूलते हो क्या? तुम्हारी कहानी के चक्कर में 3 मक्खियां खा गया हूं मैं। तुम लोग स्पिन फेंको या ऑफ स्पिन, चाहे दूसरा फेंको चाहे चौथा, बिना कहानी सुने मैं आउट नहीं होने वाला यहां से। मुझे नॉर्थ वालों का, फ्रंट वालों का, ईस्ट वेस्ट वालों का, सबका राज जानना है। बताओ नहीं तो आज के बाद कुछ नहीं सुन पाओगे। बता दे यार। यार
ये तो कुछ भी नहीं बता पाएगा, मुझे ही सारी की सारी कहानी सुनानी पड़ेगी। जो भी कहना है साफ साफ कहो। हाँ, पॉपकॉर्न समोसा मंगवा लो। 12 साल पहले मैं, पारस, गिरी और पंडित जी का बेटा शेखर 5वीं में पढ़ते थे। एक दिन पारस शेखर को डरपोक कहकर चढ़ा रहा था। शेखर ये बात मानने को तैयार नहीं था, तो पारस ने उसे एक शर्त लगाई। रात को 12 बजे कब्रिस्तान में जाकर दिखा तो मैं मान लूंगा कि तू डरपोक नहीं। मैं जाऊंगा, किससे नहीं डरता। तो फिर ये तय रहा, हम दिन में 4 नींबू कब्र पर रख के आएंगे, तू रात को जाकर वहाँ से ले आना। हाँ ठीक है। तो शेखर रात को अकेले ही कब्रिस्तान गया। उसने 4 में से 3 नींबू ले लिए थे जो हमने वहाँ रखे थे। लेकिन जब वो चौथा उठा रहा था, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसे लगा कोई भूत है और वो बुरी तरह से डर गया। और उस डर की वजह से उसके दिल की धड़कन रुक गई। अगली सुबह सबने देखा कि वो एक पेड़ की टहनी थी। भूत से ज्यादा खतरनाक होता है डर। पारस कहाँ है? पंडित जी अब तक सदमे से उभर नहीं पाए हैं। तुझे शैलजा याद है, शेखर की बहन? सांस की तकलीफ की वजह से हाल ही में उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में छेद है और उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। पंडित जी सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा करते हैं। अरे भगवान कैसे मदद करेंगे जब वो खुद एक पंडित के भरोसे हैं? भूलेगा क्या? नहीं ना, लोग इस मंदिर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पर कोई दक्षिणा नहीं चलाता। सारे के सारे एक बार उसके घर चले। ओम नमः शिवाय। ये लो, हरिओम। हरिओम नमः। कोई है? ओम हरिओम। कौन है? दरअसल हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है। अरे अब तो पंक्चर की दुकान भी बंद हो गई होगी। ठीक है, हम घर तक धक्का देकर ले जाएंगे। क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आया। और कुछ खाने के लिए होगा तो ले आइएगा। हम यहाँ मदद करने के लिए आए, कुछ खाने के लिए नहीं। तो तू बता देना कि तू ही पारस है। टायर पंचर का बहाना देकर झूठ क्यों बोल रहा है? मैं सिर्फ उनकी मदद करने आया हूँ। मदद? सर्दी खांसी नहीं हुई है? हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, पता है कितने पैसे लगते हैं? मालूम है। पता है ना, तो तेरे घर पे पैसे के पेड़ पर रुकते हैं। इनके घर के पेड़ पे हो गए तो? क्या था वो? पैसे। पैसे कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख काफी नहीं है क्या? इतने पैसे तू लाए कहां से? बैंक में डाका तो नहीं डाला, वरना बेकार में पंडित जी फंस जाएंगे। ये लो बेटा पानी, मेरे घर में मंदिर के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कहते हुए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये तो भगवान का प्रसाद है। बचपन में मैं मंदिर इसी के लिए जाया करता था। कोई बात नहीं बेटा। शुक्रिया। ठीक है बेटा, चल। एक मिनट रुको, अगर आप मुझे गलत ना समझें या बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ पंडित जी? कहो ना बेटा। चाची जी से कहिएगा वो तुलसी की रोज पूजा किया करें। वो तो हर रोज करती है। सिर्फ पूजा ही नहीं पंडित जी, उस पर फूल भी चढ़ाना चाहिए, उससे उससे लक्ष्मी आती है। चल ना। और कहिएगा इस जगह की रोज सफाई कर लिया करें, बहुत गंदगी है यहाँ। अच्छा चलता हूँ। चल एक बात और, जहाँ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है पंडित जी, समझ गए? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ए पारस! अरे पारस, 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 तुझे पता है कल पंडित जी के यहाँ हनुमान और श्री राम आए थे? झटका मत खा, तू राम था बगैर सीता माँ के और मैं हनुमान बगैर पूछ के। मुझे पता है हम उस 3 लाख रुपए से कितनी अय्याशी कर सकते थे, लेकिन हमने जो किया बहुत अच्छा किया, कितना पुण्य का काम किया है। तू इतना शांत क्यों है? भगवान को इतना चुप नहीं रहना चाहिए। मैं भगवान नहीं हूं, ना ही मैं तुझ जैसा एक साधारण इंसान हूं। अब ये मत कहना कि तू पारस नहीं है। हाँ मैं पारस नहीं हूं। क्या कहा? अगर तू पारस नहीं है तो फिर तूने पंडित जी को पैसे क्यों दिए? क्योंकि उनकी बेबसी और तकलीफ का कारण पारस था। अगर तू नारायण मूर्ति का पोता नहीं तो फिर इस गांव में क्यों आया?
क्योंकि पारस की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पारस पारस एक आखिरी सवाल पूछना है। अगर तूने शियाजी रेड्डी को नहीं मारा तो फिर उसे क्यों नहीं ढूंढता जिसने उसे मारा है? कैसे पता करूं? कैसे पता करूं मतलब बाजीराव जी से पूछो, वो मदद करेंगे। उन्हें भी यही लगता होगा कि सयाजी को मैंने ही मारा है। अरे हमें कुछ तो करना होगा, हम पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस खुद मुझे कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। ओ तेरी, तब तो यहीं छुपे रहने में तेरी भला ही है। और वही तो मैं कर रहा हूँ। हाँ वो तो है। पारस तूने अपना राज मुझे बता दिया, अगर ये बात मैंने सबको बता दी तो? तेरे पूछने पे मैंने तुझे ये नहीं बताया, तुझ पे भरोसा है इसलिए बताया। ये बात नहीं है, मुझे तुझ पे इसलिए भरोसा है क्योंकि श्री राम को भी हनुमान पर बहुत भरोसा था। एक इंसान जो अगला सीएम बन सकता था उसके पीछे 1,00,000 की भीड़, 20 टीवी न्यूज चैनल, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, 20 इंच की बंदूक और 2 किलो का सर, ट्रिगर दबाओ और वो गया बूम। इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि वो गोली इस बंदूक से नहीं चली थी। अगर मान ले कि कातिल के पास 2 बंदूकें थी तो उसने 1 से गोली मारी और दूसरी यहां छोड़ गया। दूसरी प्रॉब्लम, अगर वो इस एंगल से गोली चलाएगा तो गोली उसके सर पे यहां लगती पर लगी सर के बीचों बीच। इट वॉज अ स्ट्रेट शॉट। तीसरी प्रॉब्लम, मंत्री जी को जैसे ही गोली लगी पुलिस सीधा इसी बिल्डिंग की तरफ भागी, जैसे पुलिस को पहले से पता था। हो सकता है गोली की आवाज सुनी हो, 10,000 हर्ट्ज की आवाज। उसके बीच गोली की आवाज सुनाई देना नामुमकिन। उसके बाद क्या हुआ? उसने यहां से ट्रेन पर जंप मार दिया। ओलंपिक्स में भागेगा तो इंडिया को गोल्ड मेडल जरूर मिलेगा। ए पूजा, अपने मंगेतर से मिला ना हमें। पारस सुनो, ये मेरी सहेलियां हैं, सीता, सुनीता, गीता, ममता। क्या रे पारस, मेरा नाम भूल गया क्या? तीसरी क्लास में जब तूने मुझे किस किया था वो तो याद है ना, कि वो भी भूल गया? मैं वही हूँ, तुम्हारी पद्मावती। मेरे माता पिता को लगता है कि बहुत आराम है ये, पर साला कुत्ते की दुम है ये, नायलॉन की रस्सी वाला सांप है ये, जो जहरीला तो नहीं है पर काटेगा जरूर। ऐसे दिखा रहा जैसे लड़कियों के सामने आंख उठा के भी नहीं देखता। अब जब बंद आंखों से सारे काम हो जाते हैं तो देखने की क्या जरूरत। साल की उम्र में कांड शुरू कर दिया तो पता नहीं 25 साल तक क्या क्या गुल खिलाए होंगे। पूजा सुंदर नहीं लगती पर वो पराठे जैसी शक्ल वाली लड़की को किस कर सकता है? यूं कि मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? इसने तो क्लास 3 में अपनी लव स्टोरी बना ली, अब जैसे जैसे इसे पप्पी लेनी है वो तो लेता ही रहेगा, अब मैं क्या करूँ इसमें। क्या हुआ अभी? भूकंप आया था। हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ी। कैसे? चक्कर आ गया होगा। नहीं, हाँ याद आया मुझे। मैं पैर से टकराई थी। खुद के पैर से कैसे टकरा सकती हो? अपने नहीं, तुम्हारे पैर से टकराई थी। मैं यहाँ हूँ तुम वहाँ, मेरे पैर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? कर सकते हो। कैसे? हाँ मैं करके दिखाऊं। अब मैं तुम हूँ, चलो चलो चलो। वहां नहीं यहाँ चलो, बॉल के पास, बॉल के पास से चलो। वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, वापस। Ha ha ha!
तुम टीवी पे रैम शोज देखा करो, तुम्हें तो चलना आ जाएगा। शहर में लड़कियां यही करती हैं। गोलियां तो नहीं है, मार्बल तो है ना? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता भी है किस चीज से खेल रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारे पिताजी की बंदूक थी, अगर उसकी नाल में कुछ अटक जाए तो गोली उल्टी तरफ निकलती है। हर गर्मी की छुट्टियों में वो शिकार करने जाता था, शायद उस वक्त बंदूक की सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई, पत्थर का एक टुकड़ा इसकी नाल में रह गया, इतना छोटा सा, वो बच्चों के खेलने वाले कंचे जितना। तुम्हारे पिता के देहांत के एक साल बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। कहते हैं वक्त के साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है, पर हर किसी को आप आसानी से भूल नहीं सकते। मेरा सहारा था वो। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये तो सात ही हैं। मार्बल तो आठ थे ना, एक कहाँ चला गया? बाबूजी, बाबूजी, लल्लन ने हमारे खेत पर कब्जा कर लिया है। ये लल्लन यादव, कौन है? ये लल्लन यादव है, हमारी पास वाली जमीन इसकी है, थोड़ा टेढ़ा है, हमारी 5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश करता रहता है, और अब तो उसने बाड़ लगाने की भी हिम्मत कर ली है। ललन, बाड़, ये हमको बता ही रहा था कि इंग्लिश में इसे फेंसिंग कहते हैं, तब तक तुम आएगे। ज्यादा चालाक मत बनो। देखो, जब इसकी बात का जवाब दिए तो हमको चालाक कहता है, और जवाब नहीं दूं तो घमंडी बोलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? जल्दी मेरी जमीन से ये बाड़ हटाओ और जाकर अपनी जमीन पर लगाओ। आप तो जानते ही हैं कि इसकी गंदी नजर मेरी जमीन पर लगी हुई है। दुख इस बात का नहीं कि आप इसे नहीं रोक पा रहे, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि आप इसका साथ दे रहे हैं। हाँ, देखिए मूर्ति साहब, अगर आपको लगता है ये जमीन आपकी है तो अदालत जाइए, ये एक सिविल केस है। अगर आप यहाँ आकर इन्हें परेशान करेंगे तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। छोड़ो ये सब, लल्लन के प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखेंगे तो 2-4 साल और जी लेंगे। ये सबसे बढ़िया होगा। देखो, ऐसा है कि जमीन तुम्हारी है पर कागजात हमारे हैं। लल्लन, अब मैं पुलिस बुलवाऊंगा और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। हमको लगा कि तुम सिर्फ पुराने मॉडल की कार इस्तेमाल करते हो, पर तुम्हारी सोच भी उतनी पुरानी है। बहुत मुश्किल होगी। चलो पुलिस स्टेशन चलो। पारस, पारस, कोई टेंशन मेंशन है क्या? ललन हमारी जमीन पे पाड़ लगा रहा है। उसने गलती से लगा दी, कोई बाद में निकाल देंगे। एक बार बात तो कर लूं उससे। क्यों गुस्सा हो रहा है? अरे जाने देना, क्यों टांग अड़ा रहा है? ये जाएगा ना तो ललन की खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे तू कितना टेंशन लेता है रे। तुम
गुड़ाहू का पोता है। हाल ही में चिकना क्या कर लेगा आपका? ललन जी, आप ये गलत कर रहे हैं। हमको सब पता है, पर हम इसे छोड़ नहीं सकता। क्या करूं? पहले एक पैकेट पीता था, अब एक दो पी लेता हूं। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा। कहीं गलती से जमीन की बात तो नहीं कर रहा ना? देख बबुआ, तेरे दादा अभी पुलिस के पास गए हैं, पर हम पहले पुलिस को रिश्वत खिला चुके हैं। अब वो हमारे पास आकर हमसे हाथ मिलाएगा और ये सब देख के तुम्हारे दादा का कलेजा मुंह में आ जाएगा, फिर उनको उठा के ले जाना पड़ेगा। दूर ललन, तू आग से खेल रहा है, आग से राख बन जाएगा राख। प्लीज सर, आप समझाइए इन्हें, ये जमीन हमारी है। According to the given survey numbers, these paddy fields belong to Mr. Naidu, you know? मतलब आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अरे इसको अपने तरीके से समझाओ ना। I see. तूने मुझसे अभी कहा ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो अब जो करना है मैं करूंगा। अगर देखना है तो रुक, नहीं तो निकल यहां से। अरे बाप रे, बंदूक देख के मेरा तो प्रेशर बढ़ गया। कहीं और प्रेशर आए इससे पहले भागो यहां से, मैं तो जा रहा हूं। जिस पुलिस वाले को तूने रिश्वत दी है वही तेरी एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट तैयार करके फाइल बंद कर देगा। फैसला कर ले, जमीन या जिंदगी। जाना है मुझे। प्लीज
मिनट, रुको 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 रुको, मैंने सुना तुमने ललन यादव के लोगों को ढो डाला। गिरी ने बताया? हाँ मैंने मारा। तो तुमने मारा उन्हें? पूरी बोतल चढ़ा के आए थे क्या कि तुमने उन्हें छुआ और वो लोग गिर गए? तुम्हें ऐसा लगता है? अगर मैं वहाँ होती तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मैं एक आंख मारती सब घायल। गांव में बहुत से घायल लोग घूम रहे हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एक मिनट, एक खूबसूरत लड़की तुमसे बात कर रही है और तुम उसे पीछे छुड़ा के भाग रहे हो। मुझे देखकर तुम्हें कुछ होता नहीं? नहीं। हाँ? तुम में ऐसा क्या है? हाँ? ना तुम खूबसूरत हो, ना तुम्हें ठीक से चलना आता है, ना ही बात करने की तमीज है। कपड़े ऐसे पहनती हो जैसे सर्कस की जोकर हो। किस चीज का घमंड है तुम्हें? ज्यादा दिमाग पर गई ना तो कच्चा चबा जाऊंगा। अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती है। चल निकल यहां से। मुझे डांटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो छोड़ो मुझे। फिर से तो नहीं मारोगी? सीधा अपने कमरे में जाऊंगी। एक लड़की पे हाथ उठाते हो? दोबारा मेरे बालों को हाथ मत लगाना। घर वालों को पीछे मत लाओ, आपस में मामला निपटाते हैं। कैसे निपटाएंगे आपस में? तुमने मारा है मुझे, ना मर्द कहेंगे। सॉरी। नहीं सॉरी से काम नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो। पूजा मेरी बात तो सुनो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पूजा मेरी बात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाना है? ये डॉक्टर ही है सर। सॉरी, मुर्दा घर कहाँ है? यही है सर, अंदर आइए। ये वाला, ये वाला, ये वाला है। ये रहा घाव का निशान, और कुछ देखना है? ठीक है ठीक। रवि, रवि, उसके सामान की छानबीन की? की सर, पर कुछ नहीं मिला। अगर इसकी उल्टियां बंद नहीं होती तो मैं दवाई देता हूँ। अच्छी। बॉडी को हैदराबाद शिफ्ट कर दो। ओके सर। कोई क्लेम करे तो उन्हें सौंप देना। ठीक है सर। क्या रवि, आर यू ओके? मुर्दा घर में पहली बार आए हो ना? हाँ सर। मैं भी पहली बार। पानी दो। चलो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर नहीं। यस। चेक। आप कौन? अर्जुन प्रसाद। यहाँ सत्यनारायण मूर्ति। घर के मालिक को जानते नहीं और चेस खेलने लगे? चेस खेलने के लिए जान पहचान की क्या जरूरत है, बस खेलना आना चाहिए। मैं ही मूर्ति हूँ, बताइए क्या बात है? मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हूँ। क्या कहा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई नई इंश्योरेंस कंपनी है क्या? CBI। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकता? पारस मूर्ति मेरा पोता है, मुझे उससे मिलना है। वो मेरे लिए एक और ही आएगी। ललिता, पारस को बुला।
सर। देखो अगर हम पारस के फिंगरप्रिंट्स ले लें और हत्या के स्पॉट पे उसकी मौजूदगी की छानबीन करें तो सर वो अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों देगा? वो तो बिना बताए लेना पड़ेगा। सर इतना रिस्क क्यों लेने का? अगर वही कातिल निकला तो हो सकता है कि साया जी का मर्डर इसी ने किया हो, जो बंदूक मिली उसमें इसी की उंगलियों के निशान हो, कौन जानता है। चांस तो लेना ही पड़ेगा रवि। ओके सर। बस तुम्हारे पास मेरे विजिटिंग कार्ड्स तो है ना? सर सिर्फ एक ही बचा है। उसमें पाउडर डाल के यहां ले आओ। पारस आ गया। अर्जुन प्रसाद, CBI। काफी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। इतना डरे हुए क्यों? एक CBI ऑफिसर को देखकर बोलती बंद हो गई? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? ये एक लंबी कहानी है जिसे मैं छोटा कर देता हूं। करीब 40 दिन पहले अपोजिशन लीडर सायाजी रेड्डी की हत्या हुई थी। अखबार में पढ़ा होगा उनका कातिल ट्रेन से भाग गया, किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन जिस SP ने उसका पीछा किया था उसने उसे पीछे से देखा है। फिर जब वो ट्रेन सोलापुर स्टेशन पर रुकी तो SP ने उसकी शर्ट पहचान के गोली चलाई, पर कातिल की जगह एक बेचारे मासूम की जिंदगी चली गई। हमें उसकी डिटेल्स तो नहीं मिली है, पर उस कंपार्टमेंट की जिस सीट के पास उसकी बॉडी मिली थी हमें रेलवे डिपार्टमेंट का ये रिजर्वेशन चार्ट मिला। कंपार्टमेंट S8, सीट नंबर 16, नाम पारस मूर्ति, केयर ऑफ D सत्यनारायण मूर्ति और यहाँ का एड्रेस। पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, पारस तुम ही हो। कमिंग टू द पॉइंट, तुम्हारी सीट पे कोई और क्यों बैठा था? जब मैं विजयवाड़ा में पानी लेने उतरा तो मेरी ट्रेन छूट गई, वहां से मैं बाय रोड आया। मुझे नहीं पता उसके बाद उस सीट पर कौन बैठा। ओ, तो फिर विजयवाड़ा स्टेशन पे उतरने से पहले तुमने कंपार्टमेंट में किसी ऐसे इंसान को देखा जिस पर तुम शक हो? कोई हड़बड़ाकर ट्रेन में चढ़ा हो, ज्यादा समय बाथरूम में रहता हो, थोड़ा टेंशन में हो, एनीथिंग वियर्ड क्रेजी? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया पर कोई तो होगा ऐसा, मतलब सारी डिटेल्स अभी चाहिए? नहीं, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, जब भी याद आए मुझे फोन करके बता देना, उसमें क्या है। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। नो प्रॉब्लम, मेरा कार्ड ले लो, जैसे ही तुम्हें कुछ याद आए मुझे फोन। कार्ड असली मर्द था।
मर्द या तो गुस्से में आकर मारता है या फिर ताकत से, मगर उस ससुरा तो हिसाब से मारता है। किसको कितना मारना है, किसके सिर्फ हाथ पैर तोड़ने हैं, किसका मुंह तोड़ना है या किसी के सिर्फ दांत तोड़ने हैं, बहुत नाप तोल के मारता है मर्दवा। बहुत हो गया, कब से सुने जा रहा हूँ आप उसे मर्द बोले जा रहे हैं। आप हाँ तो बोलिए, हाथ पैर तोड़कर चौराहे पे उसे भीख मंगवाऊंगा। अब उन्हें जोश पे थोड़ा साइलेंसर लगा, क्यों अपनी इज्जत गंवाना चाहता है, कपड़े फाड़ देगा। आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं? जान से मार दूं? परसों गांव में मेला लगने वाला है, बहुत से लोग उसमें आएंगे। वो भी आएगा पर वापस नहीं जाएगा। मेले का दिन उसका आखिरी दिन होगा, कुत्ते की मौत मारूंगा उसे, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि किस भाई से पाला पड़ गया। उसके अपने ही लोगों के सामने मैं उसकी अकड़ निकालूंगा। इस शेर के पंजे से वो बच नहीं सकता। कितना फिल्म देखता है, पूरा फिल्मी हो गया है। वो मंदिर का घंटा नहीं है जो जाए के बजाए के चला आएगा। तो आप ही बोलो ना क्या करूं, चूड़िया पहन के बैठ जाऊं? ए, तुमका पता है हिरन पे झपटे से पहले शेर कितना शांत रहता है, तो फिर शेर का शिकार करने के लिए कितना शांत रहना पड़ेगा। हाँ? तो हम जो समझा रहे हैं उसे ठंडे दिमाग से उसको खत्म करो, माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। देखो तुम्हारा जितना भी आदमी है सबको एक ही गाड़ी में लेके जाओ, कहे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। अबे फटीचा ट्रैक्टर बंद कर। सुना शांति कितनी खतरनाक लगती है, मतलब जितनी शांति से वार करोगे शिकार उतना तरह। को आगे क्यों बिठा लिया? ए! अबे ब्लू शर्ट! अरे यार अबे बेरा क्या? ये गला क्यों फाड़ा? क्योंकि वो खुद फटने वाला है। अभी थोड़ा तू चिल्ला। नहीं भाई, माइक लेकर आता तो अच्छा होता। अबे सुन सुन साले, ए भूतनी के, सुना है तेरे पास धमकियों का स्टॉक है, आजकल सबको देता फिर रहा है। सही सुना? मुझे देखे दिखा, देखता हूँ तेरी धमकी। इधर पासा कुछ दे दे, कोड़ा खा ले तो झापड़ भी खा ले, निकल यहाँ से। तेरे सामने जो आदमी है वो तो सिर्फ सैंपल है, पीछे देख पूरी फौज खड़ी है। ये लोग कौन है? जो क्या था है? कमाल है, जोकर खुद हंस रहा है। जोकर बोला मेरे को, ओपनिंग कर बिल्लो, सेंचुरी मार के आना। इतना तगड़ा मुक्का मारा, एक शॉट में बैट्समैन को ही बाउंड्री से बाहर कर दिया। बिरजू की टीम तो कई काम से। Come on.
ये तो गलत है, ये चीटिंग है, तू चीटर है, मैंने क्यों किया? अबे कहाँ जा रहा है? 5 रुपए लिए तूने? 5 रुपए में क्या जान लेगा मेरी? साथी मो, इस चूड़िया का ठिकाने लगाने के लिए इस लड़की को पकड़ लो। ये क्या कर रहा है? ले जा। कोई जबरदस्ती क्या? छू कर देगा। हमारे परिवार में औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। क्या है ये सब? इतने लोगों के सामने अच्छा लगता है क्या? भी मंदिर पूजा करने के लिए जाता है, मारपीट करने के लिए नहीं। लल्लन के साथ पहले ही हमारा झगड़ा चल रहा है, अब बिरजू के साथ भी ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इसने उन्हें बहुत मारा, धो डाला। पूजा पर शुरुआत उन्होंने की थी। क्या ये बच्चा है जो उनके उकसाने पर इसने लड़ाई शुरू कर दी? तुम अब क्या सोच रहे हो? तुम्हें डांट रहा हूँ तो फिर से भाग जाओगे यहाँ से? टांगे तोड़ कर रख दूंगा तुम्हारे। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? खाना खा लो। मुझे दो। तुम्हें चोट लगी है? कुछ नहीं, मामूली खरोंच है। चोट लगी है और कह रहे हो कि खरोंच लगी है? मैं खिला देती हूँ, मसालों से जलन होगी तुम्हें। मैं खिला रही हूँ ना। इससे कहूँ खिलाने के लिए, शादी के बाद यही तुम्हें खिलाने वाली है। अभी चुपचाप मेरे हाथ से खा लो तुम। पूजा, इसमें घी डाला है ना? हाँ। ये खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा। ये आंसू कैसे बेटा? बाबूजी की बात बुरी लगी? नहीं। माँ के हाथ से खा के बचपन याद आ गया? माँ की इतनी याद आ रही थी तो मुझे छोड़ के गया ही क्यों? पता नहीं था कि माँ इतना प्यार करती है। मैं तो माँ से दूर जाता ही नहीं। खा लो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट कर लो। मगर तेरा तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। अरे बैंक में अकाउंट है ना। फिर झूठ बोला ना। अरे इतना प्यार करती है तो उसे एक एसएमएस क्यों नहीं कर देती? क्या करूं यार, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। उसका नंबर मुझे दे दे, मैं ट्राई करती हूँ। डोरे अपनी सुई में डाल, मेरे वाले पे नहीं। मेरी बात सुन, थोड़ा अपनी फेस को कलर मार। समझ गई, मेकअप करना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा जीन्स वीन्स पहन। ये पकड़ो। सर 50 रुपए और दो ना, खाली जाना पड़ेगा यहाँ से। खाली क्यों जाना पड़ेगा, 10 दिन रुक जाओ, साथ में चलते बात करते। मेरे लिए ट्रेन लाया ना? लाया हो ना बेटा, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, जाके ले ले। आ गए आप, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, इसकी तरह डायबिटीज नहीं मुझे। आप तो शनिवार को आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए? बैग ले, स्टेशन पे रात गुजार के कल ही आऊंगा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बस का मारती है। गुस्सा मत होइए, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। नहाने को कुएं पर तौलिया निकाल कर रख दो। एक काम करो, कुएं में मुझे धक्का भी मार देना और शाम को मेरी लाश निकाल लेना। शुभ शुभ बोलिए, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं, ससुर की इतनी गाड़ियां होते हुए एक गाड़ी स्टेशन नहीं भेजी। सर आप तो कर। चुप कर,
जुबान लड़ाती है? पर मैं तो घोड़ी जैसी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। आ गए। अरे बाबूजी नमस्ते। कब आए? अब भी आए बाबूजी। कह देते स्टेशन कार भिजवा देता। कार की क्या जरूरत है, पेट्रोल का भाव कितना पड़ गया है। कहीं जा रहे बाबूजी आप? खेत की तरफ। घर में इतने नौकर है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? जाना पड़ता है। एक मिनट, आशीर्वाद तो देते जाइए बाबूजी। हमारे बाबूजी कितने महान इंसान है। कहाँ खो गई है? इसके ख्यालों में डूबी है। आपके कुछ देख के ही मुझे गुस्सा आता है। ये क्या, आते ही लड़ना शुरू? मुझ पर इल्जाम मत लगाइए भाई साहब। आपको क्या लगता है कि आते ही बीबी को डांटना शुरू कर दूंगा? पानी वानी पी के फिर डांटा? तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरी बात छोड़िए, सुना है पारस आ गया? हाँ, तुम्हारी तरह वो भी आ गया। क्या उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है? दामाद तो हवा का झोंका होता है, आता है और जाता है, पर पोता पेड़ की तरह होता है, एक ही जगह टिक जाता है। अरे अंकल आपका भाई। अब भी आया बेटा। कब तक रहने का प्लान है? गर्मियों का मौसम है, सिर्फ 4 महीने रहूंगा। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। वैसे निकम्मा दमल करता क्या है? मेरा मतलब है कि आओ आओ। जीजा जी, ये पारस है। ये ताड़ का झाड़ पारस? ये भाग गया, उसके बाद तुम्हारी शादी हुई थी। और जल्दी भागा होता तो और जल्दी शादी होती है। कहाँ तक पढ़ाई की तुमने? अगर पढ़ाई के टाइम पे इतना सोचा होता तो कोई डिग्री मिल गई होती। तुम जैसे नौजवानों के लिए पढ़ाई बस एक मजाक है। नॉलेज इज डिवाइन। मतलब नॉलेज एक वाइन की तरह होती है, जितना ज्यादा पियोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। चुप क्यों खड़े हो, इंग्लिश नहीं आती है क्या? डिवाइन का मतलब वाइन या विस्की नहीं होता। उसका मतलब होता है पवित्र। ओहो, इसका ये मतलब कब से हो गया? ट्यूशन ले लो इससे। चलो। कहाँ ले जा रही हो? बताती हूँ ना, चलो। ये लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। एक आंख मार दो, ये सारे घायल हो जाएंगे। आंख मारी इसलिए तो पीछे पड़ गए। इनमें से कोई पसंद है क्या तुम्हें? तो फिर आंख क्यों मारी? ये जानने के लिए कि कोई मुझे पसंद करता है या नहीं। एक तो मुझसे शादी करने को भी तैयार हो गया। कांग्रेचुलेशंस। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? उस दिन कितने लोगों को मारा था तुमने, अब मारो इन्हें। पर मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूँ। जो सिगरेट पी रहा है ना, वो जग्गू है, उसके बगल में चमन चोटी, और वो मोटा सा है ना बब्बू। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब पता चल गया ना कि वो कौन है। जाओ मारो। ऐसे कैसे मारूं उन्हें? तुम्हें उन्हें ऐसे मारने की जरूरत नहीं, मैं इस काम के लिए तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगी। 150 चलेंगे। ये आपकी कॉफी। प्लेट कहाँ है? दूसरी पी रहा हूँ, तो नहीं दोगी? अगर तीसरी बार पियोगे तो कॉफी लाके सीधा मेरे हाथ में डाल दोगी? अब कहाँ चल दी? प्लेट लाने। तब तक इस कप का क्या करूँ? जब तक तुम आओगी तब तक स्टैचू बनकर चौराहे पे खड़ा रहूँ? मुझे दीजिए। डांट क्यों रही है? मैं? तो क्या मैं डांट रहा हूँ? नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? लाइए मुझे दीजिए। आपकी कॉफी, साथ में प्लेट भी है। कप प्लेट कॉफी दे दिया तो क्या सब काम हो गया? कॉफी गरम कौन करेगा? हाँ, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। स्क्रू ढीला है क्या? हाँ। मेरा टीयो। जॉगिंग पे जा रहा हूँ। इस पेस्ट से बढ़िया झाग आ रहा है, हमारे गांव में ऐसा पेस्ट क्यों नहीं मिलता? मिलता है ना, तुम्हें पेस्ट की जगह शेविंग क्रीम मांगनी होगी। क्या चल रहा है बच्चों? इसके नीचे बॉल फंस गया है। हटना जरा, जाओ ले लो। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मसल्स को हाथ लगाओ, कैसा लगा? कड़क है एकदम। टच इट। स्कूल के टेबल की तरह हार्ड है। घुसे मारो, टेंशन मतलब मारो ना, जोर से। अम्मा। अब तुम। अंकल मेरा हाथ टूट गया। क्या? हाँ। तुम भी मारोगे? मारो। अरे नहीं अंकल। Come on, बिट लिया। नहीं 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 अंकल। मैं उसे नहीं मार रहा हूँ, मैं उसे मारने के लिए कह रहा हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। Come on. हेलो, मैं कुछ कह रहा हूँ। नहीं मार सकता। क्यों? शर्म आ रही है, डर लग रहा है, या मेरी इज्जत कर रहे हो? तीनों शर्माते हुए डर कर इज्जत कर रहा। पारस, तुम शहर के लड़के भी ना, लड़कियों जैसे नाजुक होते हो। तुम्हारी उम्र में मैं घुसा मार के दीवार तोड़ देता था। एक बार उसकी इच्छा पूरी कर दो पारस, वरना जान खा जाएगा।
कमान मारो मुझे। प्रॉब्लम क्या है? दया दिखा रहे मुझ पे? ये शरीर एक पत्थर है। हिट मी हार्ड यार, कम ऑन, कम ऑन यार, कम ऑन, मारो मुझे। कहाँ चल दिए? सोच क्या रहे हो? मारो मुझे। किसी को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मारने के लिए जिगर चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। इस केस में कुछ चीजें हमारे दिमाग से निकल गईं। सहज रेड्डी रैली में 10:30 बजे आए थे और स्टेज पे 11:45 बजे चढ़ गए। और सर वो भाषण देने के लिए स्टेज पे 11:10 को आए थे। क्या मतलब सर? 1 सेकंड सर, 10:30 बजे वो वहां पहुंचे, 11:10 पे उन्होंने भाषण शुरू किया, 11:13 पर उन्हें गोली लगी और 11:20 पे पुलिस ने उस बिल्डिंग को घेर लिया और 11:25 पर कातिल ट्रेन पर कूदकर भाग गया। कम अगेन सर, 11:10 पर भाषण शुरू हुआ, 11:13 में गोली लगी, 11:20 पे पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया और 11:25 पे कातिल ट्रेन पर कूदकर भाग गया। शूट करने के बाद वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? रोड से भी भाग सकता था। तब तक पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया था सर। नो नो नो, गोली 11:13 पे लगी, पुलिस ने बिल्डिंग को 11:20 पे घेरा, बीच में 7 मिनट थे। इतने टाइम में उतर कर वो कॉफी भी पी सकता था। आपकी बात सही है सर, उस वक्त उस रोड पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था। रवि? हाँ सर, एक एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ? सर इसी रोड पर। इस रोड से एक पेट्रोल टैंकर यू टर्न ले रहा था और उसने कार को टक्कर मार दी। ए रुको रुको, थोड़ा पीछे लो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कॉर्पोरेशन ने इस रोड पर बड़ी गाड़ियों के ना आने के लिए बैरिकेड्स लगाए। हाँ सर। किसी ने वो बैरिकेड्स तोड़ दिए। पता लगा कि कोई पेट्रोल टैंकर मर्डर से एक दिन पहले किसके घर के बाहर खड़ी थी। ओके सर। हाँ हरी, उस ट्रेवल एजेंट का पता चला जिसकी वो कार थी? हाँ सर। ले आओ उसे। आपने तो बोला था कि आप उसे खूब मारेंगे, इस रस्सी से मारेंगे। इस रस्सी को मामूली मत समझो बच्ची। घाघरे में बांधा तो कमर का नाड़ा है, गले में बांधा तो फंदा है और हाथ में पवित्र धागा है। और वहाँ बांधा तो गिर जाएगा। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस, प्रॉमिस। ठीक है, जैसे ही वो कमरे में आएगा सीधा देखते हुए आगे आगे चलता जाएगा और वो रस्सी से टकरा के बेड पे गिर जाएगा और फिर चादर ओढ़कर सो जाएगा। सोएगा तब जब बेड सही सलामत रहेगा। बेड को जोड़ने वाले सारे स्क्रूज मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। अब जबकि बेड में स्क्रू नहीं लगे हैं और जब वो उस पे गिरेगा तो पहले बेड टूटेगी और उसके बाद उसकी हड्डियाँ टूटेगी और अचानक से डरावनी आवाज आएगी। लोग डॉक्टर को बुलाएंगे। डॉक्टर बोलेंगे इसकी कमर तो टूट गई, कभी चल फिर नहीं पाएगा। और ये मनहूस खबर सुनकर बाबूजी कहेंगे ओ मेरा पोता, और अम्मा जी कहेंगी पारस, तुम्हारी दीदी कहेगी जीजा जी, और फिर कहाँ है जी मेरी पत्नी कहेगी। कहाँ है वो? वो तो अभी अभी नीचे चले गए। ये भी ना कभी नहीं सुधरेंगे, मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी? तुम लोगों ने अपने अंकल को देखा क्या? नहीं दीदी। सारी भड़ास निकाल ली उसने। कहाँ गए वो? तुम बार बार खिड़की क्यों खोल देती हो? कितनी तेज हवा चल रही है, बंद रखा करो उसे। अंकल वो नीचे नहीं है, इसलिए ऊपर आई है। वो अभी अभी नीचे गए। अरे मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। कब से मैं आपको ऊपर नीचे ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए अपनी गर्मा गर्म कॉफी प्लेट के साथ। हाँ ये लगता तो है। हे भगवान, इन्हें पारस के कमरे में ले चलते हैं, वो काफी बड़ा है। जल्दी करो, इन्हें तो ठीक हो रही है। अरे नहीं, यहाँ लेटाओ इन्हें। हाँ हाँ यहाँ यहाँ।
हो जाएंगे। लगता है ये कुछ कहना चाहते हैं, इन्हें बेड पर लिटाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है, इसका मैं क्या करूं? ये इस बेड के स्क्रू है। गुड इवनिंग सर। अभी कहां? अंदर ही है सर। गुड 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 जॉब गाइस। सर हमारे हाथ कुछ इन्फॉर्मेशन लगी। पेट्रोल टैंकर पार्क करने वाला और कार भाड़े में लेने वाला एक ही इंसान है। प्रिंटेड शायद। किसका? दरवाजे का। गुड नाइट। गुड नाइट। खुलवा रहा है, बेशर्म कहीं का। सो गया क्या? इसमें कोई फीलिंग्स वगैरह हैं या नहीं, या फिर मैंने कुछ आवाजें सुनी थी तो वो मेरा है, बालों में चुभ रहा था तो यहां पर लगा दिया। घुटन हो रही थी मुझे। तुम्हें लगता है कि दरवाजा खोलने के लिए मैंने खिड़कियां खोली ताकि हवा से खुले और फिर हेयरपिन से भी खोलने की कोशिश की? हा? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मुझसे नहीं बोला, पर आंखें बोल रही हैं। देख तो ऐसे जैसे खा जाओगे मुझे। मैं ऐसे ही देखता हूँ। जब मेरी सहेलियों को देखते हो तो कैसे हीरो की तरह स्टाइल मारते हो। मैं कोई लेडी किलर हूँ जो सारी लड़कियाँ मुझ पे फिदा होंगी, मगर तुम हॉलीवुड की हीरोइन की तरह हीरो को पटा जरूर रही हो। तुम जी ऐसे तो बैल भी सिंह नहीं मारता। अगर दरवाजे के पीछे ये लगा दूंगा तो इस मिस इंडिया को देखना नहीं पड़ेगा। कुर्सी किस लिए ले जा रहे हो? यहाँ सब कुछ ढीला है ना, मतलब स्क्रू, इसे पीछे रख दूंगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। कुर्सी क्यों? बड़ी सी लकड़ी लाकर उसपे तुम कील ठुकवा दो और उससे भी काम ना चले ना, तो बता देना, हम वहाँ दरवाजा हटा कर बड़ी सी दीवार बना देंगे, फिर तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी। मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम मुझे चुप भी नहीं करा रहे। पूजा दरअसल बहुत हुआ, तेरे बोलने के बाद मुझे चुप मत कराओ। अगर मुझे पसंद करते तो मेरे बोलने के बाद भी मुझे चुप जरूर कराते। तुमने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया और मैं इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी रही। कितनी बार तुम्हें अपना मंगेतर कहा, पर तुम हो कि मुझे इतना इतना सा भी प्यार नहीं करते। पूजा मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बहुत हो गया। माना कि तुम लंबे हो, अच्छे दिखते हो, इंग्लिश बोल सकते हो,
कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने लगेगी और मुझे कोई नहीं देखता। ऐसी बात नहीं है। दूसरों की छोड़ो, क्या कभी तुमने मुझे मुझे प्यार से एक बार देखा? ये कैसा सवाल है? तुमने कभी कहा कि मैं इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ? मन तो करता है पर कह नहीं पाता हूँ। तुमने ध्यान से कभी देखा कि मैंने क्या पहना है? हाँ, अंधा थोड़े ना। चलो मेरे घाघरे का रंग बताओ, नीचे नहीं देखोगे, बताओ। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुमने तुमने कहा था। पूजा वो तो मैं झूठ मत बोला कि तुम मजाक कर रहे थे। वो मजाक नहीं था, सच था। पर उस वक्त तुम इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं जैसी अबू पहले भी वैसी लगती थी। पर मैं वैसा नहीं हूं। यूं तो हम चांद को रोज देखते हैं पर कभी कभी वो हमें बहुत खूबसूरत लगता है, जबकि चांद की खूबसूरती तो वही है, बदलाव उसमें नहीं होता, दिल में होता है। मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने दीवार तोड़ी क्योंकि कोई तुम्हें बुरी नजर से देखता था। मैंने उसे भी मारा, वो क्या नाम था उसका? बिरजू। हाँ, बिरजू, उसे भी मारा। अब कैसे दिखाऊं प्यार? मैं दूसरों की तरह नहीं, मुझे प्यार करना नहीं आता। मैंने अभी अभी जाना है कि प्यार क्या होता है, अभी नहीं समझा। एक तरफ तुम परेशान थी कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, मैं भी चाहता था कि दरवाजा खुले पर उसके खुलते ही मैं उसे बंद कर दिया करता। बस यही फर्क है हम दोनों। ये किसके लिए? कोई हमारे खेत खरीदने आया है। हम खेत क्यों बेच रहे हैं? अरे बाबा, अगर खेत नहीं बेचेंगे तो घर में शादी कैसे होगी? तुम्हारी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, इसीलिए ये लोग 5 एकड़ बेच रहे हैं। एक एकड़ के कम से कम 3 लाख तो होने चाहिए। पानी की नहर के बिल्कुल पास है। देख लेना, ये जमीन सोना उगलेगी। हाँ, सोना। आपको रुपयों की सख्त जरूरत है, मैं आपको 1 लाख पर एकड़ तक दे सकता हूँ। इससे ज्यादा है नहीं इसके पास। हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए आप कम कीमत लगा रहे हैं। ऐसा ही होता है भैया, कौड़ियों के दाम जमीन खरीदेंगे और फिर ऊंचे दाम पर बेच देंगे। बात समझ में ना आई हो तो समझा देता हूँ, इस जमीन के हमें डबल पैसे चाहिए, आप समझे कि नहीं? देखिए, जैसे ही आप कागजात पर साइन कर देंगे मैं पूरा कैश आपको लाकर दे दूंगा। वादे का पक्का है? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कागजात पर साइन करेंगे। हाँ, पर आपका पोता भी? पोता? वो भी करेगा। देखिए सर, सिर्फ साइन की बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको मेरी पेमेंट कुछ कम लग रही है तो फिर मैं और पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। देखिए, मेरे पास बस इतना ही पैसा है, इससे ज़्यादा मैं अरेंज नहीं कर सकता। स्टैम्प पेपर लाए हो क्या? हाँ, लाया हूँ, पर मैं आपसे अभी साइन नहीं करवा सकता। देखिए, माफ कीजिए, मैं ये जमीन नहीं खरीद सकता। ताए ताए फीस हो गया। क्यों, क्या हो गया? मुझे नहीं पता कि मेरी पेमेंट कम लग रही है या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ऐसा लगता है आपके पोते को ये सौदा मंजूर नहीं है। मुझे बख्श दीजिए, मैं चलता हूँ। ये बीवी अच्छा, नमस्कार। राम राम। अगर हम जमीन नहीं बेचेंगे तो शादी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? भैया, ये निकम्मा हमारी नाक कटवाएगा। जब तक ये कामचोर यहाँ है कोई शादी नहीं होगी, आप देख लेना। बहुत सर पिछड़ा कर रखा है आपने पारस को, अब होगी उसके कारनामे। दामाद की जगह इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कौन है? पारस। क्या बात है बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह तुमने जो किया काफी नहीं था?
तुमने उसे उंगली दिखाकर धमकी दी है ना? अगर वो जमीन खरीदेगा तो तुम उसे मारोगे है ना? खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है। कितना चाहिए आपको? हाँ, ललिता की शादी के लिए कितने रुपए चाहिए? 10 लाख चाहिए। क्यों, तुम दोगे मुझे? आपने बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जमीन भी खो दें। मैं आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूं। हाँ, कम सिट डाउन। मैं तुम्हारी फाइल देख रहा था। 1991 बिलासपुर, तुमने भाषण के दौरान एक लीडर का कत्ल कर दिया। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, अभी हाल ही में बिल्कुल उसी तरह का एक मर्डर हुआ है, अपोजिशन लीडर सयाजी रेड्डी का। हमारी कुछ मदद कर सकते हो? ये किसी पेशेवर का काम? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? टेलीस्कोपिक गन, निशाना सर के बीचों बीच, महंगी सुपारी। ओह, कितने की होगी सुपारी? कम से कम 1 करोड़। इतना? पुलिस में काम करने से अच्छा ऐसा कोई काम कर लो तो लाइफ सेटल हो जाए। इतना पैसा कोई कहां छुपाएगा? बैंक में। बैंक में? इतना हैरान मत होइए, क्रिमिनल का भी बैंक अकाउंट होता है। सच में इस केस के सारे लीड्स मिसलीडिंग है। जहाँ सयाजी रेड्डी का मर्डर हुआ था वहीं पास में एक एक्सीडेंट और हुआ था, एक कार और एक पेट्रोल टैंकर की भिड़ंत। उसमें एक अजीब बात यह है कि दोनों गाड़ियों को एक ही इंसान ने हायर किया था। यह एक्सीडेंट में मारा गया। केस यहीं पे अटका है। ये कातिल नहीं है, इसने मेरे लिए काम किया है। ये सिर्फ भागने में मदद करता है। मर्डर किसी और ने किया है। कौन है वो? नंदू। नंदू कैसा दिखता है? वो लंबा दिखता है। आंखें कैसी होंगी उसकी? शिकार की तलाश में निकले एक शेर की तरह, गुस्से से भारी मगर पहनी। आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हमने एक चीज को छोड़कर हर चीज की छानबीन कर ली। फैक्ट्स, दैट्स सच। सयाजी रेड्डी के मर्डर के 15 दिन पहले किस किस बैंक के अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम जमा हुई है, इस बात का फौरन पता लगाओ। समझ गए? सर, बैंक ऐसी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं देते। हम सीबीआई वाले हैं, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। सच सच सच। अच्छा, ये 1 लाख का लोन कैसे मिलेगा? हा? पहले पुराना तो चुका। पुराना चुकाने के लिए तो चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा पोता पारस। हाँ, मैंने सुना कि वो वापस आ गया, जानकर बहुत खुशी हुई। उसने मुझे एक चेक दिया है। मैं तनुकू मंजीरा बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे अकाउंट नंबर 791849 का एक चेक मिला है। हाँ, कस्टमर मेरा खास दोस्त है। बैलेंस देखकर मुझे बता दो तो फिर मैं यहाँ से इन्हें कैश दे दूँ। बैंक का भी अच्छा है सर। और ये लड़की? सर सर अपना काम उस तरफ है। हेलो, उसका नाम नंद गोपाल है सर। अकाउंट नंबर 719849, 2 साल पुराना अकाउंट है सर। जिसने उसे इंट्रोड्यूस किया उसकी कोई डिटेल्स? हमने उस एड्रेस का पता लगाया पर वो एड्रेस नकली था सर। बैलेंस कितना है अकाउंट में? 2 करोड़ सर। हाल फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन? हाल ही में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं सर। कौन सा बैंक? तनुकू मंजीरा बैंक। नाम? प्रसाद। तुम्हारा नहीं? नंद गोपाल। नंद गोपाल। हम कहाँ जा रहे हैं सर? बैंक। अर्जुन प्रसाद, ऑडिट डिपार्टमेंट। चाय पियेंगे सर? बाहर कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में चाय? कुछ ठंडा वंडा मंगवाओ। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद है। मेरा नाम पूछा? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सवाल बिल्कुल सही है।
अकाउंट्स चेक करने हैं। ये 10 लाख का चेक किसका है? ये सत्यनारायण मूर्ति जी का है, पास ही के गांव में रहते हैं और उनके पोते ने ही चेक दिया है। क्या नाम उसका? सर पारस है। पारस 791849 नंदगोपाल। नंदगोपाल वो कौन है? पर यहाँ पर पारसार्थी लिखा है। मैंने साइन ठीक से चेक नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ सर। हेलो नंदू। हाँ यस कम ऑन डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन जल्दी करो। अरे कुछ लोगों को इस तरफ भेजो। ओके सर। रवि कुछ लोगों को इस तरफ। कवर दिस एरिया ऑल्सो। रवि सर तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देखो और पीछे भी जाकर देखो। जाओ जाओ। ओके सर। सॉरी मूर्ति साहब, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मिला क्या? नहीं सर। पीछे जाकर देखो ना। बाय द वे मूर्ति साहब, आपके घर में जो लड़का है वो आपका पोता नहीं, नंदू नाम उसका, वो एक पेशेवर का है। अब शक है उसने साई जी रेड्डी का मर्डर किया है। हाँ एसआई को बोलो कि फौरन चला है। आई एम सॉरी टू से दिस सर, आपका पोता ट्रेन में मारा गया, उसकी बॉडी गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखी। क्या हुआ? भाग गया सर। पता था मुझे। इस घर में हमारे साथ गैर हमारा बनके हमारे ही जज्बातों के साथ खेलता रहा और किसी को पता भी नहीं चला। उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे अपने दिल में बिठाया, उस पर भरोसा किया और आज उसी भरोसे का कत्ल करके चला गया। अगर एक बार सामने आ जाए तो उसे जमीन में गाड़ दूंगा। वो 12 साल बाद घर लौट कर आया था, हमें लगा वही हमारा पारस है। तो देख लिया अंजाम। अच्छा हुआ पुलिस शादी के बाद आई, पहले आती तो न जाने क्या हो जाता। होता क्या, समाज में हमारी नाक कट जाती, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, बिरादरी वाले हम पर थूकते और बेटियां कवारी रह जाती। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, अगर हमारी बेटी की शादी रुक जाती ना तो हमारे 10 लाख बर्बाद हो जाते। हमारी किस्मत तो देखो, 12 साल बाद हमारा पारस घर लौटा और वो भी नकली। हो सकता हमारे पारस को भी उसी ने मारा होगा। बिल्कुल, हमारी मजबूरी का इसी तरह तो फायदा उठाते। और क्या, ऐसे आदमी का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, पैसे के लिए शायद मुझे भी मार डालता। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो एक नंबर का धोखेबाज है। लल्लन के सर पर बंदूक रखकर उसने उसे आपकी जमीन से खदेड़ कर आपको अपनी जमीन दिलाई। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि उसने क्या क्या किया है। आपकी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए खर्च हुए, आप लोगों ने जमीन नहीं बेची, आपकी बीवियों ने गहने नहीं बेचे, यहाँ तक कि बाबूजी ने किसी से उधार तक नहीं लिया, तो फिर ये शादी हुई कैसे? उसने पैसे दिए, उसने 10 लाख का चेक आपके बाबूजी के हाथ में दिया। किसी को ये बात मालूम है? नहीं मालूम, पर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने अपने पैसे खर्च करके ये शादी करवाई है, इसीलिए आप लोगों से धोखेबाज बोल रहे हैं। पंडित जी के घर बिजली आ गई, उनकी बेटी का ऑपरेशन हो गया, उस घर में आज सारी खुशियां हैं। किसने दी इतनी सारी खुशियां? ऑपरेशन के इतने सारे पैसे कहां से आए? उसी ने दिए, 3 लाख रुपए दिए, मैंने देखा है। कोई अपना सगा भी इतना नहीं करता है। सच कहूं तो वो हम सब की जिंदगी में एक फरिश्ता बन के आया है और आप सब लोग उसे शैतान कह रहे हैं। पर आप सबको ये सब कहां दिखेगा? जो खुद को नहीं समझ पाए वो उसे क्या समझेंगे?
जिसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं उसे झूठ बोलने का भी अधिकार नहीं। मुझ में हिम्मत है। मैं यहां आप लोगों को पारस की मौत की खबर देने आया था और उस मां की आंखों में खुशी देखकर कैसे कहता कि उसका बेटा मर गया है। पारस के लिए आप सबका प्यार देखकर मैं ये कभी नहीं कह पाया कि मैं पारस नहीं हूं। झूठ बोल दिया मैंने, पर मैंने सिर्फ झूठ बोला है, किसी को धोखा नहीं दिया। दोनों में फर्क ही क्या है? सच को छुपाने से झूठ पैदा होता है, पर झूठ को सच साबित करना धोखा है। मैंने झूठ बोला कि मैं पारस हूं, पर मैंने कभी पारस बनने की कोशिश नहीं की। पर मैं आप लोगों की खुशी के लिए अब तक पारस बना रहा। आप लोगों के प्यार के सामने मेरा सर झुक गया। पुलिस से बचने के लिए मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे समीर को यह बात गवारा नहीं हुई, क्योंकि मुझे इस घर में दो लोगों को जवाब देना है, एक तो आप और दूसरी यही सच है। अब फैसला आपके हाथ में है। वालों के मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया और भी न जाने क्या किया। मगर मैं तुमसे एक ही सवाल करना चाहता हूं बेटा, जवाब दोगे ना? बोलो, ट्रेन में एक अजनबी को गोली लगी और तुम चुपचाप वहां से निकलने के बजाय यहां क्यों चले आए? तुमने जान पर खेलकर हमारी जमीन हमें वापस क्यों दिलाई? बेटी की शादी के लिए पैसे क्यों दिए? सबकी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करते रहे? मेरे जैसे बुढ़े के पैरों में क्यों गिरे तुम? यहाँ के लोग तुम्हें दुख देते रहे और तुम उन्हीं लोगों को खुशी बांटते रहे, इसका जवाब पता है मुझे। तुम ही मेरे पारस हो, मेरे पारस हो। मुझे तुमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अगर होता तो मुझे उस वक्त पूछना चाहिए था जब तुमने लल्लन के कब्जे से हमें हमारी जमीन छुड़ा कर दी थी। मुझे तब पूछना चाहिए था जब तुमने 10 लाख का चेक दिया था। उस वक्त तो मैं चुप था, तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। इसलिए अब हक नहीं है तुमसे कोई सवाल पूछूं। इसे मैंने अपने बेटे के लिए खरीदा था, पर यही उसकी जान ले बैठी। मगर अब ये तुम्हारी जान बचाएगी बेटा? लोगों की नजरों में तुम एक क्रिमिनल हो। अब वक्त आ गया उन्हें गलत साबित करने का। जाओ, अगर तुम जीत गए तो यहां तुम्हारा फिर से स्वागत है, और अगर हार गए तो मैं ये समझूंगा कि मैंने अपना बेटा फिर से खो दिया। मुझे नहीं जानना कि सच क्या है और झूठ क्या। मैं तो अब
यादों के सहारे ही जी लूंगा। हाँ। मैं वापस आऊंगा। देखो फारुक उसमें क्या है कि हम कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप। क्यों फोन किया मुझे? सयाजी रेड्डी को किसने मारा? मुझे नहीं पता। तुझे पता है? सच में मुझे नहीं पता। सर आपके लिए पार्सल है। तो मैं अंदर किसने आने दिया? मैंने भेजा है वो पार्सल। लाओ मुझे दो। मैंने सयाजी रेड्डी के मर्डर प्लान वाली हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। वही कैसेट है वो। सच्चाई उगलते नहीं तो सीबीआई के पास पहुंच जाएगी कैसेट। कीमत बोल अपनी। ये पूछ कि क्या चाहिए मुझे। मुझसे डील फाइनल करने के बाद तूने किसी और से भी बात की थी? कौन है वो? क्या नाम है उसका? तू लाइब्रेरी में नहीं बैठा है कि चुप हो गया है? बोल। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो फिर मुझे तुझसे मिलना पड़ेगा। और तू अच्छी तरह जानता है कि अगर मैं तुझसे मिला तो तू सीधा नर्क जाएगा। अब तो सच बोलेगा या नर्क जाएगा? सच बताऊंगा। तुमसे बात करने के बाद फौरन ही मुझे एक फोन आया। फोन तुम्हारे दोस्त ने किया था, मलिक ने। कितना मांगा उसने? 2 करोड़। मुझे आधा दे दो, काम मैं कर दूंगा। 1 मिनट। हाँ, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें सयाजी रेड्डी को चांद से मारना होगा। ऑफर पसंद आए तो गेस्ट हाउस में आकर मिलो। मलिक कहाँ मिलेगा? उसे मारना है मार दो, मैं नहीं रोकूंगा। एक बार सीएम बन जाऊं फिर तुम्हें बचाए रखने की जिम्मेदारी मेरी। प्लीज मुझे इसका ओरिजिनल कैसेट दे दो। सॉरी बाजीराव, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। उस वक्त हमारी बात मैंने रिकॉर्ड नहीं की। फिर ये कैसेट? खाली है। पर अभी की बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। ए, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? फोन डेड था। हाँ, हेलो, ठीक है सर, बिजी है।
तुमने गोली क्यों चलाई? कितने में मिल गया? कितने में? ऐसा क्यों किया? मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही तुझसे कोई प्यार है। पर कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी कि हम एक दूसरे को मार डालें। यार बिजनेस है नंदू, तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे 50 लाख मिलते हैं और उसे मारने के लिए मुझे बाजीराव 2 करोड़ देता, लेकिन उसे मारकर तुम्हें फंसाने के लिए मुझे 2.5 करोड़ मिलते। अब इसमें मैंने गलत क्या किया? तूने बहुत बड़ी गलती की मलिक, बहुत बड़ी। वैसे भी कौन सा हम सही काम करते थे, इस बार मैंने गलत काम को थोड़ा सही तरीके से किया है। मारने के भी कुछ उसूल होते हैं। दुश्मन को मारना युद्ध कहलाता है, दोस्त को मारना विश्वासघात, और विश्वासघाती को मारना न्याय। तूने विश्वासघात किया है। अब न्याय होगा।
तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है नंदू, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जिंदा रहे ये मुझे पसंद नहीं। क्या चाहिए तुम्हें, होम रेवेन्यू या फाइनेंस? जिसने मेरे पिताजी को मारा मुझे उसकी फोटो चाहिए। जब तक आप सीएम की शपथ लेंगे तब तक मैं उसकी पोटी पोटी काट के चील कौओं को खिला दूंगा। पिछली बातें भूल जाओ, अब जश्न मनाओ। सर, सीबीआई से मिस्टर रवि आपसे मिलने आए हैं। क्या हुआ रवि, मार दिया उसे? उस कैसेट का क्या हुआ? सॉरी सर, मैं अर्जुन प्रसाद हूँ, रवि का दोस्त। वो आज यहाँ नहीं आ पाया। थैंक यू सर। वो कहाँ है? जेल में है सर, अरेस्ट किया है उसे, पूछताछ चल रही है। आप इस कैसेट के बारे में बहुत परेशान थे तो मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। उसे मारना है मार दो, मैं नहीं रोकूंगा। एक बार सीएम बन जाऊं फिर तुम्हें बचाए रखने की जिम्मेदारी मेरी। ये मेरी आवाज नहीं है, किसी ने अच्छी मिमिक्री की है।
एक बार फिर से सुन लीजिए। सच में मुझे नहीं पता। सर आपके लिए पार्सल है। तो मैं अंदर किसने आने दिया? आवाज अच्छी निकाली, सेक्रेटरी की आवाज भी अच्छी निकाल लेता है। वीडियो तक को सबूत नहीं माना जाता, कोर्ट इन तहलका टेप्स को कभी सबूत नहीं मानेगी। अगर मान भी लिया तो जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक हम दोनों ही मर चुके होंगे। मान लिया, पर सयाजी रेड्डी का जो बेटा बाहर खड़ा है ना, वो एक प्रॉब्लम, जवान है, उसके पास कोर्ट जाने का टाइम नहीं। वो कैसेट सुनते ही एक गोली जरूर चलाएगा। बाजीराव साहब, सयाजी रेड्डी के मरने के बाद तो आप ही सीएम बनते, लेकिन अगर आपने उन्हें मार दिया तो आप अपराधी बन जाएंगे। इस बारे में कैसे नहीं सोचा आपने? क्या हुआ? ये गोली की आवाज कैसी? एक घर, दादाजी और प्यार, सब कुछ, पर बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, एक कप चाय भी नहीं। मैंने तुम्हारे नाम को अपना लिया है, इस पे कभी आंच नहीं आने दूंगा, बस यही दे सकता हूं मैं तुम्हें। सयाजी रेड्डी का कातिल एक एक्सीडेंट में मारा गया, जिसने इसे प्लान किया उसने आत्महत्या कर ली। इस केस में अब सिर्फ एक आदमी रह जाता है, नंदू। ये सब तो चलता रहेगा, तुम्हारा क्या हालचाल है पारस? गो अपने दादा को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। बाय द वे, अब तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी।